दोस्तों, आज की वीडियो में आपके पास $5 जीतने का मौका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पिन में आपको मोनी मास्टर ऐप का लिंक मिलेगा, जो एक पेरेंटल कंट्रोल स्पाई एप्लीकेशन है। आप मोनी मास्टर ऐप को इस्तेमाल करें और कमेंट में इस ऐप के बारे में अपनी राय दें। आप में से जिस किसी का भी कमेंट चुना जाएगा, उस व्यक्ति को इनाम के तौर पर $5 मिलेंगे। अगर आप खुद का अपना किड्स एनिमेशन वीडियो का चैनल बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको एनिमेशन की कोई नॉलेज नहीं है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सिर्फ कुछ स्टेप्स में एक फुल HD किड्स एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं और अपनी उन वीडियो को अपने YouTube चैनल पर अपलोड करके कमाई कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को आसान बनाने के लिए वीडियो को मैंने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहले स्टेप में हम अपनी वीडियो के लिए स्टोरी जनरेट करेंगे। दूसरे स्टेप में अपनी वीडियो के लिए AI इमेज जनरेट करेंगे। तीसरे स्टेप में हम अपनी उन AI इमेज को एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। चौथे स्टेप में हम अपनी एनिमेशन किड्स स्टोरी के लिए वॉइस जनरेट करेंगे। लास्ट और पांचवें स्टेप में हम अपने इन सभी रॉ मटेरियल से अपनी वीडियो एडिटिंग करेंगे। स्टोरी जनरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ChatGPT का। आप गूगल बार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप खुद स्टोरी लिखना जानते हैं तो आप खुद से भी अपनी स्टोरी लिख सकते हैं। ChatGPT ओपन होने के बाद नीचे बॉक्स में हमें प्रॉम्प्ट डालना है, जिस तरह की हमें स्टोरी जनरेट करनी है। अभी मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डालता हूँ, क्रिएट अ किड स्टोरी अबाउट ए बॉय हु हैज मैजिकल पावर्स फॉर यूट्यूब वीडियो। आप जिस तरह की भी स्टोरी जनरेट करना चाहते हैं, उसी तरीके का प्रॉम्प्ट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। प्रॉम्प्ट डालने के बाद यहाँ सेंड पर क्लिक करेंगे तो ChatGPT हमारी स्टोरी जनरेट करके हमें दे देगा। अब हमारी एनिमेशन वीडियो के लिए स्टोरी हमारे पास आ चुकी है। अब हमारी स्टोरी के लिए हमें चाहिए इमेजेस। इमेज जनरेट करने के लिए हमें चाहिए पहले प्रॉम्प्ट्स, तो प्रॉम्प्ट्स भी हम यहाँ पर ChatGPT से ही जनरेट करेंगे। इसके लिए नीचे बॉक्स में एक प्रॉम्प्ट डालना है, आई वॉन्ट टू जनरेट इमेजेस फॉर माई यूट्यूब वीडियो, सो लीज गिव मी प्रॉम्प्ट्स फॉर एवरी पैराग्राफ्स ऑफ माई अबव स्टोरी, और सेंड पर क्लिक करेंगे। अब ChatGPT ने हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट्स यहाँ जनरेट करके दे दिए हैं। आगे हम इन प्रॉम्प्ट्स से ही अपनी एनिमेशन वीडियो के लिए इमेज जनरेट करेंगे। इमेज जनरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्लेग्राउंड AI का। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेग्राउंड AI पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर आएंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्रिएट के आगे आपको ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ऑन अ बोर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग्स करनी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है फिल्टर का, नीचे ऑप्शन है नोन का। यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे मॉडल्स ओपन हो जाएंगे। यह दूसरे नंबर का मॉडल है स्टारलाइट XL एनिमेट, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इधर राइट हैंड साइड में इमेज डायमेंशन है, यहाँ से तीसरे नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ से नंबर ऑफ इमेजेस को सेलेक्ट कर लेंगे। एक बार में आप जितनी इमेज जनरेट करना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रॉम्प्ट का। अब हमें यहाँ पर अपनी इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट डालना है, तो प्रॉम्प्ट के लिए हम वापस चलेंगे ChatGPT में, और ChatGPT ने हमें जो यहाँ पर हमारे स्टोरी के पैराग्राफ के अनुसार हमें प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया है, तो हम उस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ChatGPT ने हमें यहाँ हमारी स्टोरी के एक पैराग्राफ के लिए 2 प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिए हैं, तो हम दोनों प्रॉम्प्ट से अपनी इमेज जनरेट करेंगे। अब वापस प्लेग्राउंड में आएंगे और यहाँ पर हम उसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ जनरेट का ऑप्शन है, जनरेट पर क्लिक करेंगे। आप कुछ देर यहाँ प्रोसेसिंग चलेगी तो हमारी इमेज यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। इसी तरह वापस ChatGPT में आएंगे, अपने दूसरे प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करेंगे, प्लेग्राउंड में पेस्ट करेंगे, जनरेट पर क्लिक करके अपनी इमेज जनरेट कर लेंगे। इसी तरह अपने सारे प्रॉम्प्ट्स से हमें इमेज जनरेट कर लेनी है। प्लेग्राउंड में एक दिन में आप फ्री में 500 इमेज जनरेट कर सकते हैं। अब अपनी इमेज डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आपको सारी इमेज को डाउनलोड कर लेना है। तीसरे स्टेप में अब हम अपनी इन इमेज को एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। अपनी एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए हम जिस AI टूल का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है मॉर्फ स्टूडियो। सभी टूल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मॉर्फ स्टूडियो की वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ ज्वाइन बीटा एंड डिस्कॉर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको इनके डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना है। अगर आपका डिस्कॉर्ड पर अकाउंट नहीं है तो पहले आपको डिस्कॉर्ड पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर डिस्कॉर्ड पर आपका अकाउंट है तो डायरेक्ट आपके सामने यहाँ इनवाइट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ इनवाइट पर क्लिक करेंगे तो आप मॉर्फ स्टूडियो के डिस्कॉर्ड सर्वर पर आ जाएंगे। यहाँ मैंने अलग अलग टूल्स के डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन किया हुआ है, तो मेरे सामने यहाँ बहुत सारे लोगो नजर आ रहे हैं।
अगर आपने भी पहले से ही दूसरे टूल के डिस्कॉर्ड सेवर को ज्वाइन किया हुआ होगा तो आपके सामने भी उनके लोगो दिखाई देंगे। अपने किसी भी टूल को पहचानने के लिए आप अपने कर्सर को लोगो पर लेकर आएंगे तो उस टूल का नाम सामने दिखाई दे जाएगा। जैसे कि अभी मैं मॉव स्टूडियो के लोगो पर कर्सर लेकर आया हूं तो यहां पर मॉव स्टूडियो लिखा हुआ आ गया है। इसी तरीके से आप डिस्कॉर्ड पर आप अपने उस टूल को पहचान सकते हैं जिसे आपको इस्तेमाल करना है। तो मैं यहां मॉव स्टूडियो पर क्लिक करता हूं। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, यहां पर आपको वीडियो जेनरेशन 1, वीडियो जेनरेशन 2 इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। किसी भी एक ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर आपको उन लोगों के प्रॉम्प्ट्स और वीडियो दिखाई देगी जो लोग पहले से मॉव स्टूडियो में अपने लिए वीडियो जनरेट कर रहे हैं। अब हम अपनी वीडियो जनरेट करने के लिए यहां नीचे आएंगे और टाइप करेंगे स्लैश और ऊपर ऑप्शन आ जाएगा एनिमेट का, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहां से हमें अपनी उन इमेज को 1x1 इंपोर्ट करना है जो अभी हमने प्लेग्राउंड AI से जनरेट की थी। यहां अपलोड पर क्लिक करते हैं और अपनी इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है +1 more का, उस पर क्लिक करना है। ऊपर ऑप्शन आ गया है प्रॉम्प्ट का, उस पर क्लिक करना है और यहां हमें वह प्रॉम्प्ट डालना है जो ChatGPT ने हमें जनरेट करके दिया है। उसके बाद एंटर दबाते हैं। अब कुछ देर यहां पर प्रोसेसिंग चलेगी। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी हमारी वीडियो हमारे सामने जनरेट होकर आ जाएगी। अब हमारी वीडियो यहां जनरेट हो चुकी है जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। यह मेरा यूजर नेम है, इसी तरीके से आपका भी यूजर नेम दिखाई देगा। आपके यूजर नेम के साथ आपकी वीडियो आपको यहां पर दिखाई देगी जिसे आप यहां से प्ले करके देख सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप यहां डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको आपकी वीडियो यहां पर नहीं मिल पाती है तो आप यहां इनबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी अपनी इमेज को यहां वीडियो में कन्वर्ट किया होगा वह सभी आपको यहां पर दिखाई देगी, जिन्हें आप यहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको अपनी सारी इमेज को यहां वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है। अपनी एनिमेशन वीडियो के लिए वॉइस आप खुद अपनी आवाज में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज का इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो आप AI की मदद से अपनी स्टोरी के लिए वॉइस ओवर कर सकते हैं। वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 11 Labs का। 11 Labs पर साइन अप करके आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहां सेटिंग्स में आएंगे या ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। यहां आपको बहुत सारी वॉइस मिलती हैं, जिन्हें आप यहां प्ले पर क्लिक करके सुन सकते हैं। आप जिस वॉइस का इस्तेमाल करना चाहते हैं सिंपल आप उसे वॉइस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी वॉइस यहां पर सिलेक्ट हो जाएगी। अभी मैं यहां पर सिलेक्ट कर रहा हूं निकोल को, तो इसके लिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं। उसके बाद नीचे यहां ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और 11 Multi Language 1 पर क्लिक कर देंगे। अब अपनी स्टोरी के लिए वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए नीचे ऑप्शन है बॉक्स का, इस बॉक्स में हमें अपनी स्टोरी को यहां पेस्ट करना है। लेकिन अभी हमारी स्टोरी इंग्लिश में है। अगर आपको अपनी वीडियो इंग्लिश में ही बनानी है तो आपको कोई चेंज नहीं करना। लेकिन अगर आपको हिंदी, उर्दू या किसी और लैंग्वेज में अपनी वीडियो बनानी है तो पहले आप अपनी इस स्टोरी को गूगल ट्रांसलेट की मदद से अपनी उस भाषा में ट्रांसलेट कर लेंगे और उसके बाद अपनी स्टोरी को यहां पर पेस्ट करेंगे और नीचे जनरेट पर क्लिक करेंगे। कुछ देर प्रोसेसिंग चलेगी और आपकी स्टोरी का वॉइस ओवर जनरेट हो जाएगा। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है डाउनलोड का, यहां डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और आपका वॉइस ओवर यहां डाउनलोड हो जाएगा। अब आता है हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप, जिसमें हम इन सब को मिला करके अब अपनी कंप्लीट एनिमेशन वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आपको किसी भी वीडियो एडिटर को ओपन कर लेना है। अभी मैं यहां पर कैपकट इस्तेमाल कर रहा हूं। अब अपने एडिटर में हमें अपनी उन सभी वीडियो जो हमने मॉव स्टूडियो से जनरेट की है और अपनी ऑडियो जो हमने 11 लैब्स से जनरेट की है उन सबको यहां इंपोर्ट कर लेना है। अब अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग अपने सभी वीडियो और वॉइस ओवर को एडजस्ट कर लेना है। अपनी स्टोरी के अनुसार वीडियो और वॉइस ओवर एडजस्ट करने के बाद अपनी वीडियो में हमें यहां ट्रांजिशन और इफेक्ट्स लगाना है। आप अपनी वीडियो में ट्रांजिशन और इफेक्ट्स अपनी वीडियो के रिक्वायरमेंट के अनुसार इस्तेमाल करें, क्योंकि हर वीडियो में ट्रांजिशन और इफेक्ट्स आपको आपकी वीडियो के अनुसार अलग अलग इस्तेमाल करनी पड़ सकते हैं। तो अभी मैं जल्दी जल्दी अपनी वीडियो के रिक्वायरमेंट के अनुसार ट्रांजिशन और इफेक्ट्स लगा लेता हूं। अब हमारी वीडियो यहां कंप्लीट हो चुकी है, इसे यहां से एक्सपोर्ट कर लेते हैं और एक्सपोर्ट करने के बाद एक बार हम अपनी वीडियो को यहां प्ले करके देख लेते हैं। की बात है, मेडोविल्ले के छोटे से शहर में ऑलिवर नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह असाधारण रहस्य वाला एक साधारण लड़का था। उसके पास जादुई शक्तियां थीं। ऑलिवर अपने हाथ के इशारे से चीजों को हवा में उड़ा सकता था, जानवरों से बात कर सकता था और यहां तक कि बारिश को भी अपनी इच्छा अनुसार नचा सकता था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं
एनिमेशन वीडियो बनाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।